आज की रात पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों के लिए खराब हो सकती है, या यूं कहें कि सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि चक्रवाती तूफान रेमल रविवार यानी कि आज की रात ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान के साथ कम से कम 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और समंदर में करीब 1.5 मीटर की ऊंची लहरें उठ सकती है, और इससे समंदर से सटे जो कुछ निचले इलाके हैं वो डूब भी सकते हैं, यानी कि समंदर से सटा हुआ जो इलाका है उसको नुकसान पहुंच सकता है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश की भी आशंका जताई गई है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि ये तूफान कितना खतरनाक है, क्या इसे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है? तो इसे समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि रेमल तूफान किस कैटेगरी में आता है। देखिए, तूफान को ना 5 कैटेगरी में बांटा गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने तूफान को कुल 5 कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी 1 में तूफान की जो रफ्तार होती है हवा की, वो 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, इससे कम नुकसान होने की आशंका होती है। कैटेगरी 2 में 154 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है, इससे थोड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है। कैटेगरी 3 में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है और ये काफी नुकसानदायक होता है। कैटेगरी 4 में तो 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है और इससे सीधा इमारतों को नुकसान पहुंचता है। और इससे भी अगर ज्यादा, यानी कि 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा अगर हवा की रफ्तार होती है तो कैटेगरी 5 होता है। रेमल तूफान जो है इसके दरमियान 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो ये कैटेगरी 1 में आता है, इसलिए इसे कम नुकसान की आशंका है। लेकिन फिर भी अब तक के रिकॉर्ड में देखा गया है कि भारत में तूफान से होने वाली जो मौत है वो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा रही है, तो इसलिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और लोगों से सावधान रहने को कहा गया है। वैसे अब हम आपको बताते हैं कि रेमल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, रेमल ना एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है रेत, या ये जो नाम है वो ओमान का दिया हुआ है। रेमल एक चक्रवाती तूफान है और तूफान जो है वायुमंडलीय विक्षोभ या फिर डिस्टर्बेंस की वजह से आते हैं। आपको पता है कि ये कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है, समुद्र के ऊपर जो गर्म और नर्म हवा उठती है और फिर ये जब किसी ठंडी सतह से टकराती है तो तेज बारिश होती है और तेज हवाएं चलने लगती है और फिर ये तूफान का रूप ले लेता है। तूफान की रफ्तार अगर ज्यादा होती है, तूफान के वक्त में अगर हवा की रफ्तार काफी ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और उसी के आधार पर ये आकलन किया जाता है कि तूफान कितना नुकसान पहुंचाने वाला है। रेमल तूफान की अगर हम अभी बात करें तो अभी उतनी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन खास तौर पर जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वहां पर सावधानी बरतने की अपील जरूर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और इस वक्त में जो हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी तो लोगों से ऐसा कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें तो नुकसान कम हो सकता है, क्योंकि हवा की वजह से कई बार पेड़ गिर जाते हैं, कई बार बारिश भी होती है, मूसलाधार तो ठनका भी गिर जाता है, ऐसे में लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। इसलिए मौसम विभाग ने सबसे अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सावधान रहना।